हेलो गाइस। सो गाइस आज आ चुके हैं हम लोग फिर से माइनक्राफ्ट के एक अनदर एपिसोड में। और गाइस ये जो वीडियो आज थोड़ा सा हम लोग सोचे कि गाइस मैं सोचा देखो बहुत सारे कचरा भरे चुके हैं। यस गाइस बहुत सारे कचरा भर चुके हैं। अभी मेरे जो चेस्ट गाइस देखो मेन मेरा दिक्कत होगा चेस्ट वगैरह, बहुत सारे मेरे चेस्ट वगैरह में कचरा भर चुके। सो मैं सोच रहा था कि गाइस थोड़ा सा कचरा मैं क्लियर करता हूँ। यस कचरा क्लियर करने के लिए मेन मुझे करना क्या था पता है, मुझे एक स्टोरेज रूम चाहिए था। लेकिन गाइस ये वाला वीडियो पे जो लोग लाइक नहीं करके रखो फटाफट लाइक करो, मुझे नहीं पता जल्दी लाइक हो जाना चाहिए। बहुत मेहनत लगे वाला वीडियो बनाने में। और गाइस देखो सो ये वीडियो का गाइस जो मेन कॉन्सेप्ट है अब वो है स्टोरेज रूम बनाना। और गाइस आज देखो ये जो स्टोरेज रूम का डिज़ाइन है वो गाइस शल्कर क्राफ्ट का डिज़ाइन है। ये गाइस शल्कर क्राफ्ट, तो गाइस थैंक यू सो मच यार ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए। और गाइस देखो बेसिकली ये जो डिज़ाइन है वही सेम डिज़ाइन में बनाऊंगा नहीं, थोड़ा सा मैं चेंजेस करूंगा। तो इसलिए गाइस थोड़ा सा चेंजेस मैं करूंगा। तो इधर मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बना के रखा है ऐसे, तो मैं गाइस अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम बनाऊंगा। और गाइस मैंने कुछ ऐसा डेकोरेशन किया, आई डोंट नो यार अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। सो गाइस देखो 17, 8 और 8। सो गाइस इस साइड में 8, इस साइड में 8 खोदना हमको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस तो चलो इधर ना पहले मैं माइन कर लेता हूँ। और यार ओके शिल्ट गाइस मैं सिल्ट टच तोड़ूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारा सिल्ट टच। ओ गाइस और एक चीज़ मुझे आई थिंक एक दो इधर से खोदना चाहिए और एक ब्लॉक। यस इधर से मुझे खोदना पड़ेगा गाइस क्योंकि मुझे दस ब्लॉक ऊपर खोदने, तो इधर से मैं 8 खोद सकता हूँ। तो इधर 9 ओके इस ब्लॉक से मैं खोदूंगा तो आई थिंक मैं 10 ब्लॉक तो खोद ही सकता हूँ। आई थिंक सो कितना खोदा मेरे को देखने दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओके 10 ऊपर थोड़ा सा और भी जाना पड़ेगा गाइस मुझे, लेकिन ठीक है गाइस ऊपर मैं फिल कर दूंगा तो वो कोई मैटर नहीं है, वो मैं कर दूंगा। ओके चलो सो गाइस स्टार्ट करते हैं माइनिंग कर रहा है इस साइड से। पूरा का पूरा एरिया मुझे माइन करना है 10 ब्लॉक के ऊपर। और अगर मैं गिन लूँ क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके सो 6 ब्लॉक से 7, 8, 9 और ऊपर एक 10 होगा गाइस। लेकिन मुझे ना ऊपर फिल करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर मुझे फिल करना पड़ेगा। यस गाइस इस साइड मुझे और एक लेयर फिल करना पड़ेगा। ओके गाइस कोई दिक्कत, मैं ऊपर बाद में फिल कर लूँगा। सो मैं ओके गाइस मेरे पास कुछ यस गाइस मेरे पास सैड डर्ट वगैरह है तो कोई दिक्कत, मैं फिल कर लूँगा ऐसे करके थोड़ा सा। फिर ऊपर मैं जो भी मन चाहे एक पहाड़ वगैरह डिज़ाइन में बना दूंगा, क्योंकि गाइस देखो इधर फिलहाल मुझे डेकोरेशन करना है तो डेकोरेशन थोड़ा सा अच्छा करूंगा मैं सोच रहा था, बाकी मुझे भी नहीं पता। चलो ये सब जगह मैं बाद में देखता हूँ, पहले अंदर का जो 10 ब्लॉक ऊपर है मैं जल्द से जल्द मैं फार्म कर लेता हूँ, जब गाइस मेरे लिए बहुत दिक्कत होने वाला है। ओके गाइस हेलो। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने जो गड्ढा है पूरा कंप्लीट कर लिया। एंड गाइस अभी हम लोगों को जो तीन साइड दिखे तीन साइड में हमको गड्ढा करना है। ओके लेकिन इधर गाइस गड्ढा करने में एक ही दिक्कत क्या हुआ पता है गाइस, मुझे अभी बाद में याद आया कि इस साइड में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इधर मुझे पूरा का पूरा एरिया फिल करना पड़ेगा क्योंकि
यार वो तीन साइड वाला रूम है, तो इसके लिए मुझे पूरा एरिया मुझे फिल करना पड़ेगा, वो बाद में फिल कर दूंगा। तो ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं एक साइड कंप्लीट करूंगा। तो गाइस देखो, इधर हमको दो साइड गैप और उस साइड में दो साइड गैप रख के इधर 32 ब्लॉक तक अंदर लेके जाना है, मतलब पूरा 8-8 ब्लॉक ऐसे गाइस 13 ब्लॉक, दो मतलब दो ब्लॉक गैप फिर दो ब्लॉक गैप, तो हमको ऐसे करके ऊपर 8 ब्लॉक तक लेके जाना है, जस्ट 8 ब्लॉक। यस गाइस 8 ब्लॉक यानी पूरा रेंज, वो रेंज आता है वो रेंज 8 ब्लॉक। तो गाइस, तो फाइनली गाइस हम लोगों ने जो गड्ढा थे वो कंप्लीट कर लिया, स्केलेटन स्पॉन होना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली गाइस हमको थोड़ा सा टॉर्चेस लगाना पड़ेगा इस साइड में, नहीं तो हमारा हालत ख़राब हो जाने वाला है, मैं बता रहा हूँ यार, क्योंकि रात भी होएगा। तो इधर केप भी था, सो गाइस केप हम लोगों ने फील किया। ओ हेलो, दोनों बंदे भैया मारना बंद करो, बंद करो इधर, नहीं तो ओ नो प्लीज़ यार, अरे क्या कर रहे हो स्केलेटन्स प्लीज़ गाइस। ओके, अरे ये वाला वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगा, और चैनल पे जो लोग नया हो रहा ना गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके गाइस, फाइनली हम लोगों ने इस साइड पे तीन तीन गड्ढे खोदते खोदते मेरा दिमाग का दही हो गया। ओके सो गाइस, ये देखो इस साइड पे सेम गड्ढे हम लोगों ने तीनों साइड में खोद, और गाइस इधर क्या हुआ आपको बताता हूँ। इस साइड में मुझे पूरा पूरा स्टोन से फिल करना पड़ा, फिर मैंने सोचा सैड फार्म करके सोचा इधर फिल देने के लिए ऊपर ग्रासेस लगा दिए गाइस, क्योंकि नहीं तो अच्छा नहीं दिखता है। और एक चीज, नेदर पे मैंने, यस गाइस नेदर पे मैंने एक थोड़ा सा घर, यस गाइस ये देखो घर, नेदर पे मैंने थोड़ा सा घर बना के रखा था, जस्ट लाइक दैट ब्रो। ये देखो भाई, गास्ट वास्ट ना आ जाए भाई, खतरनाक वाला घर बना के रखा था नेदर पे मैंने, जस्ट थोड़ा सा फार्मिंग शार्मिंग कर रहा था मैं। तो गाइस इस साइड में डेकोरेशन करना अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, वो मैं बाद में कर दूंगा। ओके तो चलो इधर से मैं लेके जाता हूँ 3, 4, 5, 6, भाई मुझे नहीं पता यार ये कैसा दिखेगा गाइस, आपको कमेंट करके बताना ये कैसा दिखने वाला है। सो फटाफट करके मैं कुछ डेकोरेशन कर लेता हूँ सामने गेट का। सो गाइस ये हो चुका है रेडी, अभी उसको ऊपर देख रहा हूँ ना, ऊपर हमको कैसे भी स्लैब लगाना पड़ेगा, स्लैब। ये स्लैब लगाने के लिए मैं सबसे पहले देखता हूँ कौन सा स्लैब यूज़ करूँ, मैं सोचो ब्रिक वाले स्लैब्स यूज़ करता हूँ, ब्रिक स्लैब थोड़ा सा आसान होगा मेरे लिए। हाँ यस गाइस, थोड़ा सा आसान होगा मेरे लिए ये। अरे यार ऊपर भी चढ़ जाओ, 1, 2, 3। ओके सो ऊपर गाइस मुझे इसको डेकोरेशन करना पड़ेगा, मैं बाद में कर दूंगा, 1, 2, 3। तो ऐसे होगा गाइस, वाओ जस्ट वाओ गाइस, ये बहुत सही दिख रहा है मेरे ख्याल से। अभी इसको बस डेकोरेशन बाकी मैं वो सब कर दूंगा। चलो गाइस मेन अभी मैं स्टोरेज रूम का एरिया काम करता हूँ, ये सब बाहर का जो डेकोरेशन है वो बाद में करूंगा। मैं गाइस इस साइड से कलर चेंज कर दे, ब्लैक कर दे, क्योंकि यार स्टोन मुझे अच्छा नहीं लगता एक्चुअली, वो बोले ब्रिक वाला, सो ऐसे में चेंज कर दे इनको। सो गाइस सेम टू सेम हमको इस साइड में बनाना है, तो इस साइड में बनाने के लिए वही टेक्निक हमको यूज करना पड़ेगा। सो वो है कि अरे भैया मेरा गले का वाट लगा पड़ा है। ओके सो हमको लगाना पड़ेगा एक ऐसे लगाना पड़ेगा गाइस मेरे ख्याल से। ओके हाँ एक ऐसे लगाना पड़ेगा, एक लगाने और एक ए वाला चीज ऐसे करके। ओ ये ब्रो गाइस, सो फाइनली हम लोगों ने ये जो वॉल थे वो कंप्लीट कर लिए, एंड वॉल के साइड में आपको दिखा देता हूँ, वॉल के साइड में दो ब्लॉक लगा के हम लोग स्टेयर्स लगा दिया से। यार गाइस देखो ये बहुत हार्ड है डेकोरेशन करना, ये मैंने भाई गलत कर दिया, लेकिन गाइस अभी बना लिया तो बना लेते, अभी क्या ही करते गाइस। ओए एक हो गया, ओए ने नीचे, मैं नीचे गिरने वाला था अभी। कोई दिक्कत नहीं गाइस, ये थोड़ा सा हार्ड इसको डेकोरेशन करना, लेकिन गाइस आपके भाई यार करके रहेगा, आपके भाई एक बार बिल्डिंग बनाने का मूड आ गया ना तो ख़त्म करके रहेगा। मैं बिल्डिंग है मेन रूम का है वो, मुझे अच्छा लग रहा है अभी अच्छा लग रहा है गाइस। ओके सो 1, 2, 3, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके 1, 2, 3, सो ऐसे करके मुझे करना 1, 2, 3, 4, 5, अच्छे 1, 2, 3। ओके
क्योंकि क्योंकि यार थोड़ा सा हार्ड है गाइस, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम लोग ऐसे करेंगे चेस्ट प्लेस, तो ये थोड़ा सा, अरे यार ये बड़ा दिक्कत होता है गाइस, इसलिए ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाते कभी कभार। यार ये देखो ऐसा, इसलिए ना मुझे पसंद नहीं आते। ओके कोई दिक्कत नहीं गाइस, ओके थैंक यू। तुमको और भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि इसके ऊपर हम लोगों ने ऐसा किया ना, तो अभी इसके ऊपर मेन देखो भाई, इसके ऊपर हमको स्लैब लगाना पड़ेगा, स्लैब्स ये पूरा एरिया पे हमको स्लैब लगाना पड़ेगा ऐसे करके। अगर स्लैब के अंदर चेस्ट ओपन होते हैं तो आपको इतना ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको स्लैब मतलब आप लोग चेस्ट खोल सकते हो, तो ऐसे करके मुझे पूरा एरिया पर हमको स्लैब लगा देने का है। ओके गाइस हम लोगों ने कुछ चेस्ट रूम ऐसे डिज़ाइन किए, अभी गाइस इसके ऊपर ना हमको ऐसे करके स्टेयर्स लगाने हैं। ओके सो ऐसे करके मैं पूरा एरिया पे स्टेयर्स लगाऊंगा गाइस, बहुत वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है गाइस। अरे यार ओ यस हम लोग गाइस ऐसे कर सकते हैं डिज़ाइन, देखो ये वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, तो पूरा सेम टू सेम गाइस एरिया पे मैं ऐसा डिज़ाइन करूँगा, और ऊपर जो एरिया मुझे हमको मतलब मुझे ना स्लैब लगाना पड़ेगा ऐसे करके, एक दो तीन एक। अरे यार ये बड़ा दिक्कत करता है गाइस, देखो मैं जस्ट आपको एक बार दिखाता हूँ और मैं पूरा फिल कर लेता हूँ जितने जगह पे सेम टू सेम मैं फिल कर लूँगा ऐसे। ये गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत है, एक दो तीन एक दो तीन, तो बस ऐसे करके मैं पूरा फिल करूँगा, लेकिन क्या डिज़ाइन दिया था मैंने, ऐसे ऐसे और कैसे दिया था, एक ऊपर ऐसे करके। ओके तो ये जो डिज़ाइन है, ये हमको डिज़ाइन पूरा एरिया पर हमको सेम टू सेम डिज़ाइन करना है। ओके ओके सो गाइस फाइनली हमारा जो यार क्राफ्ट मतलब हमारा जो पूरा रूम है वो कंप्लीट होने वाला है, तो गाइस कंप्लीट होते होते मैं सोच रहा था और एक काम कर लेता हूँ, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा काम करने वाला हूँ अभी, लेकिन ठीक है। तो सबसे पहले इसको तोड़ता हूँ, जो स्लैब्स हम लोगों लगाए थे ना, स्लैब हटा के मुझे लगने स्टेयर्स, तो मैं वही कर रहा हूँ, स्लैब हटा रहा हूँ अभी स्टेयर्स लगा रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब और गरीब दिखने के लिए, लेकिन ठीक है। देखो ये जो रूम हम लोगों ने डिज़ाइन किया वो वैसा रूम हर एक जगह पर वही सेम रूम होगा, तो ये गाइस मेरे लिए बहुत आसान बन जाएगा, क्योंकि गाइस देखो हर जगह पे सेम रूम होगा तो मैं बहुत इजीली मैं बना सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले स्टेयर्स ले लेता हूँ कुछ, किधर मैंने रखा तो था यार, ओके इस साइड में बहुत सारे मैंने, ओके इस साइड में रख के गया था। चलो ओए नो प्लीज़, अरे यार पंगा मत लो, मेरे पास कुछ नहीं है मारने का भी। और गाइस देखो इस साइड करते करते ये जो रूम कंप्लीट करते करते मैं इस साइड भी कंप्लीट ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस साइड में कंप्लीट कर चुका हूँ। सो पहले इसको कंप्लीट करने आपको दिखाता हूँ, भाई सेम रूम सेम तरीके से बनेगा, तो मैं पहले एक रूम बनाता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा हर तरीके। अरे यार ये थोड़ा सा अजीब और गरीब लग रहा है मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन ठीक है गाइस जो भी है हम लोग गाइस इसको, अरे यार क्या हो गया ये, ओके चलो। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं फिर से। सो गाइस हमारा जो रूम है वो गाइस ये जो रूम है मैं कंप्लीट नहीं किया गाइस, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। सो एक ये जो रूम है मैं बाद में इसको कंप्लीट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो रूम है ये कंप्लीट हो चुका गाइस, ए रूम कंप्लीट किया, और ये वाला गाइस देखो अब कैमरा पे मैं ये वाला रूम कंप्लीट कर लूँगा, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है गाइस ये रूम कंप्लीट करने में, तो बाद में कर लूँगा। सो ये वाला रूम, हेलो सो गाइस फाइनली वी आर बैक। ओके तो गाइस देखो मैं बताया था कि ऑफ कैमरा पे मैं कर लूँगा, लेकिन मैं सोचा भाई ये वीडियो मुझे कंप्लीट करना है, तो जैसे तैसे थोड़ा सा और मेहनत करने के बाद फाइनली
यस गाइस फाइनली मैं पूरा कंप्लीट कर लिया। यस गाइस सो मैंने कुछ डेकोरेशन में इधर यूज़ किया, कुछ शुरूम लाइट सैंड, कुछ क्रिम्सन, कुछ वर्ब्ड, कुछ ग्रासेस एंड फाइनली हमारा जो स्टोरेज रूम है वो हो चुका है फुल्ली कंप्लीटेड। ब्रो फुल्ली कंप्लीट हो चुका है मैं स्टोरेज रूम, इसको बनाने में मेरा दिमाग दही हो गया गाइस, लेकिन ठीक है गाइस, लेकिन ठीक है यार गाइस, लेकिन ठीक है मैं सोच रहा हूँ शेडर लगा के देखूंगा गाइस। मेरा बेस शेडर है, टी शेडर यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि ये शेडर मुझे जो इफेक्ट मुझे चाहिए यार वो इफेक्ट मुझे मिल जाता है ए वाले शेडर के साथ। और गाइस आप लोग लिटरली देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है यार ये टी शेडर के साथ। और फाइनली जो हमारे स्टोरेज रूम है वो हो चुका है कम्प्लीट एंड गाइस मेरे पास, अरे यार आइटम फ्रेम पड़ा हुआ है मेरे पास। ओके गाइस आइटम फ्रेम पड़ा हुआ है, तो एक काम करता हूँ मैं, जो मेरा फायर रॉकेट, ओ ओ ओ आज यार मैं ज़्यादा लैग हो रहा है यार आज, ओ ये क्या हो गया, कुछ ज़्यादा लैग हो रहा है मेरे को, ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं यार गाइस। ओके तो इधर मैं रॉकेट्स रखूँगा, तो ओके पता नहीं गाइस आइटम फ्रेम का मैं करूँगा क्या एक्चुअली। तो आइटम फ्रेम बहुत सारे बना लिया, तो आइटम फ्रेम में डाल दो फिलहाल के लिए भी। ओके तो स्कार्फ फोल्डिंग, ओए ओए भैया जी इधर आओ, तुम इधर आओ। ओके स्कार्फ फोल्डिंग ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको ऊपर डालता हूँ। ओए ओके थैंक यू, ये मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता तो इसलिए मैं ऊपर डाल के रखता हूँ। और इंडस्ट्रीज मुझे चाहिए, सब चाहिए। ओके सो फायर क्रैकर्स मुझे भैया चाहिए चाहिए सब चीज़। ओके फ्लिंटर स्टील, और फ्लिंटर स्टील मेरे इन्वेंटरी में फ्लिंटर स्टील कहाँ से कर आ गया पता नहीं गाइस। जो भी है ये बहुत गाइस आप लोग देख सकते हो कते खतरनाक दिख रहा है। ओके तो गाइस यही था हमारा जो चीज़, हम लोग फाइनली इसको पूरा फुल बिल्ड कर लिए। मैंने लिटरली बता रहा हूँ मैं आज इसको फुल बिल्ड करने नहीं वाला था, फिर मैंने सोचा चलो आज बिल्ड करके देखता हूँ क्या होता है। सो गाइस लिटरली ये करीब मुझे 10 घंटे लगा इसको करीब बनाने में, 10 घंटे लगा गाइस क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं था, तो रिसोर्सेज कलेक्ट करने में करीब मुझे फुल इसको सेटअप करने में 10 घंटे तो लगेगा, 10 घंटे कम से कम 10 घंटे तो लग ही गया होगा। ओके सो गाइस ये बोला वीडियो पे मुझे नहीं पता, प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट करना, लाइक करना मत भूलना गाइस। ओके सो गाइस चलिए बाय, टाटा सी, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ओके बाय गाइस टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।